एयरलाइंस कंपनी में एयर होस्टेस और केबिन क्रू मेंबर की नौकरी दिलाने के नाम पर युवक युवतियों से ठगी का मामला सामने आया है। संस्थान परिसर में हंगामा करने के बाद पीड़ितों ने शुक्रवार रात डायरेक्टर के खिलाफ विजयनगर पुलिस थाने में आवेदन दिया। जांच के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एबी रोड ऑर्बिट मॉल स्थित स्पीड जेट एविएशन संस्थान में 50 से ज्यादा युवक युवतियों ने एडमिशन लिया, जहां उन्हें एयरलाइंस कंपनी में एयर होस्टेस और केबिन क्रू मेंबर पदों पर नौकरी दिलाने की बात कही। सभी को 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई। संस्थान में कोर्स करने के बाद नौकरी दिलवाने का दावा किया, मगर ज्यादातर युवक युवतियों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, फिर भी उन्हें नौकरियां नहीं लगवाई गई। शुक्रवार को युवक युवती ऑर्बिट मॉल पर इकट्ठा हुए और संस्थान में हंगामा करने लगे। पीड़ितों के अभिभावक भी साथ में थे। आस्था, आयुष और उर्वशी का कहना है कि 80,000 से लेकर 1,90,000 रुपए फीस के नाम पर वसूले गए। कोर्स पूरा होने के 2 महीने के भीतर नौकरी दिलाने की बात कही, मगर 4-4, 5-5 महीने बाद भी किसी को एयरलाइंस में नौकरी नहीं दिलवाई। पीड़ित राशि पिता रामराज यादव की शिकायत पर विजयनगर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये डायरेक्टर कैप्टन धर्मराज शुक्ल, विभवी चौहान, रुपेश बावसीकर, संजय हीरानंदानी और अली असगर हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.